हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा बटोरते हुए देखे जाते हैं। जहां एक ओर अपने प्रोफेशनल करियर में कई शानदार फिल्मों के जरिए, टीवी सीरियल्स के जरिए दर्शकों को दीवाना करते हुए नजर आते हैं, वहीं अपने पर्सनल लाइफ के चलते काफी विवादों का सामना करते हुए भी देखे जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ग्लैमर की दुनिया में सेलिब्रिटीज अपनी अलग पहचान बनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ग्लैमर की दुनिया से दूर अगर गौर किया जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ, तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी वह काफी उतार चढ़ाव का सामना करते हुए नजर आते हैं। कई सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी दुख झेला है, काफी उतार चढ़ाव देखे हैं और उन उतार चढ़ाव का सामना करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी नजर आए हैं। बात करेंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम में एक और मशहूर अभिनेत्री के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज एंड योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ काम कर चुकी 90 के दशक की पॉपुलर खूबसूरत एक्ट्रेस वर्षा भुसवंकर पैच। वर्षा उस कंकर के बारे में, जी हाँ, आज के समय में वर्षा कितना बदल चुकी है। वर्षा भी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन जहां एक ओर वर्षा ने बहुत ही कम समय में फिल्मी पर्दे पर अपनी खास पहचान बना ली, कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों में वर्षा ने काम किया, लेकिन गौर किया जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ, तो उनकी पर्सनल लाइफ में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर वर्षा के परिवार के बारे में, वर्षा के ससुराल के बारे में, कि किस तरह से वर्षा को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था। देखिए हमारी रिपोर्ट। 90 के दशक में बॉलीवुड में कई हसीनाएं आईं जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया और आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। वेल दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि खूबसूरती और शानदार एक्टिंग के जरिए ही अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब हुई एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर। जी हाँ, वर्षा जिन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर कर रख दिया, वहीं टीवी टाउन की दुनिया में भी अपनी खास पहचान बना ली। वेल दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को वर्षा के फिल्मी करियर के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर वर्षा की पर्सनल लाइफ के बारे में, कि जब उन्होंने पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ झेला, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। आइए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर वर्षा के फिल्मी करियर के बारे में। वर्षा ने बॉलीवुड की खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ फिल्म हत्या में काम किया था। तकरीबन 17 साल हो चुके हैं इस फिल्म को। वहीं वर्षा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 90 के दशक में मराठी फिल्म गम्मत जम्मत से की थी। हालांकि इसके बाद साल 1988 में बी.आर. चोपड़ा की पॉपुलर टीवी सीरियल महाभारत में उत्तरा का किरदार निभाया था और इस तरह से टीवी टाउन की दुनिया में वर्षा ने अपनी खास पहचान बना ली। वहीं बतौर एक्ट्रेस पहली बार बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था वर्षा ने साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म दूध का कर्ज के जरिए, और इस फिल्म में वर्षा ने कजरी का किरदार निभाया था। वहीं वर्षा ने हिंदी सिनेमा जगत के सुपरस्टार्स मिथुन चक्रवर्ती, नाना पाटेकर, जितेंद्र, जैकी श्रॉफ, रजनीकांत जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन भी शेयर की। वर्षा ने अपने फिल्मी करियर में बहुत ही जल्दी ऊंचाइयां छू ली और कई बेहतरीन सुपरहिट फिल्मों में काम किया।
लेकिन अगर गौर किया जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ, जहां एक ओर वर्षा का प्रोफेशनल करियर काफ़ी शानदार रहा, तो वहीं पर्सनल लाइफ में उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि जब वर्षा को और उनके पति को अपनी ही प्रॉपर्टी से पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया, जी हाँ वर्षा की ननद ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि साल 2000 में मशहूर संगीतकार रविशंकर शर्मा के बेटे अजय शर्मा से वर्षा ने शादी कर ली, और साल 2012 में जब उनके ससुर का निधन हो गया तो उसके बाद वर्षा पर उनकी नंदों ने संपत्ति कब्जा करने का आरोप लगा दिया। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जाता है कि वर्षा की नंदों ने यह दावा किया था कि उनके पिता के निधन के बाद भाई और भाभी ने घर पर कब्जा कर लिया है। दरअसल म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने अपनी वसीयत में अपना घर अपनी बेटियों के नाम कर दिया था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उनके ससुर, जी हाँ रविशंकर जी ने अपनी वसीयत में अपनी बेटियों का नाम दिया था। इतना ही नहीं, रविशंकर ने अपनी वसीयत में ये भी लिखा था कि मेरे बेटे और बहू ने शादी के बाद से मेरी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं की है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे गुजर जाने के बाद बेटे और बहू को मेरी संपत्ति पर कोई भी हक ना हो। वहीं वर्षा के ससुर ने वसीयत में ये तक लिख दिया था कि मेरे निधन के बाद मेरा बेटा और बहू को मेरे शव को हाथ तक लगाने की ज़रूरत नहीं है पैज, मेरे शव को हाथ तक नहीं लगाने दिया जाए। और इस मामले में कोर्ट के दखल के बाद संगीतकार रविशंकर के बंगले को उनकी बेटियों को सौंप दिया गया था, और इस तरह से वर्षा और उनके पति को संपत्ति से पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया। बता दें आपको कि वर्षा के पिता AKS उसगांवकर गोवा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे। साल 1990 में दूरदर्शन के टीवी शो रानी लक्ष्मीबाई में लीड रोल निभाया था, और इसके अलावा कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं वर्षा। घर जमाई और जमाई राजा में भी काम कर चुकी हैं वर्षा। फिलहाल देखा जाए तो वर्षा मराठी टीवी सीरियल में काम कर रही हैं, और इस बीच भी वर्षा काफ़ी सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं। वर्षा ने मराठी टीवी सीरियल्स की दुनिया में अपनी खास पहचान बना रखी है। कई टीवी सीरियल्स में वह काम कर चुकी हैं, तो वहीं वर्षा कई बेहतरीन सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वर्षा ने शिकारी, साथी, हनीमून, घर जमाई, तिरंगा, खलनायिका, इंसानियत के देवता, चेहरा और मुकदमा जैसी फिल्मों में काम किया है, और वर्षा ने इन फिल्मों के जरिए ही अपनी खास पहचान बनाई है। आज के समय में वर्षा बेहद आलीशान जिंदगी बिता रही हैं अपने पति के साथ। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे वर्षा की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर जाहिर होता है कि वर्षा काफ़ी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो खुलासा हुआ है कि वर्षा की संपत्ति तकरीबन $5 मिलियन है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसा कुछ वेबसाइट्स के मुताबिक सामने आया है। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए वर्षा के बारे में। अपनी पर्सनल लाइफ के चलते वर्षा भी काफी सुर्खियों में रही है। आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि वर्षा जो वाकई में आज भी बेहद खूबसूरत है, फिर भी पर्दे पर वर्षा ने वाकई में अपनी खूबसूरती के जरिए फैंस को दीवाना करके रख दिया था। आप सभी को वर्षा के बारे में जानकर कैसा लगा या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़।